नमस्कार दोस्तों, मैं अरिजीत, आप सबको स्वागत है मेरे इस चैनल पे टेक्नोलॉजी पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, खुश हैं। दोस्तों, मैं आज इंट्राडे लाइव ट्रेडिंग कुछ करना चाह रहा हूँ। तो जो स्मॉल कैप के जो स्टॉक है उस पर मैं ये लाइव ट्रेडिंग करूँगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो मैंने कुछ स्टॉक यहाँ वॉचलिस्ट में डाले हैं जो कि आज के गेनर और लूज़र में से हैं, ठीक है। तीन गेनर और चार लूज़र डाले हैं, तो उनके चार्ट को ओपन करके मैं देख लेता हूँ कब बाय कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। तो BEML का यहाँ इसका चार्ट तो स्मूथ नहीं है दोस्तों, बट फिर भी हम लोग बाय कर सकते हैं स्टॉप लॉस डाल के। तो इसको अगर हमको बाय करना है, देखिए इसका चार्ट स्मूथ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये अप एंड डाउन हो रहा है, कंटिन्यूस अप ट्रेंड में जा नहीं रहा है। पहले गैप अप से ओपन हुआ बट उसके बाद से ये अप ट्रेंड में जा नहीं रहा है उस तरीके से। तो थोड़ा देख लेते हैं और इसको नहीं करते हैं कुछ। फिर MOL को चलते हैं, इसका भी चार्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये भी कुछ स्मूथ मूवमेंट नहीं दिखा रहा है। तो ये सब सिचुएशन में ट्रेडिंग लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, पता नहीं चलता है कि ये क्या होगा, डाउन होगा पाएगा। तीसरा पे चलते हैं, ये भी लगभग सेम है, अभी तक कुछ भी साइन नहीं दे रहा है बाय के या सेल का, ठीक है। तो सेलिंग सब में चलते हैं, सेलिंग सब में हाँ इसका मूवमेंट तो अच्छा है। जैसे ही देखिए थोड़ा रिकवरी ले रहा है डाउन में जाके, ये थोड़ा फिर से जैसे नीचे आना शुरू करेगा तो हम लोग उसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा वॉच करना होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट में, इसका भी कुछ क्लियर नहीं है अभी तक स्टॉक, ठीक है। थोड़ा देखते हैं, और ब्लू स्टार में देखते हैं, ब्लू स्टार का भी डाउन ट्रेंड अच्छा खासा दिख रहा है लेकिन थोड़ा रिकवरी ले रहा है, तो लेने दीजिए थोड़ा रिकवरी, उसके बाद फिर से डाउन आएगा तो हम लोग उसको लेंगे, ठीक है। स्टार टेक में चलते हैं, ये हाँ ये भी अच्छा खासा दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा रिकवरी लिया है, अब फिर से अगर ये डाउन जाने की कोशिश देखते हैं कोशिश करेगा कि नहीं, ठीक है। तो जैसे मैं लेता हूँ मैं आपको फिर से वीडियो रिज्यूम करता हूँ, ठीक है, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अभी स्टॉप करता हूँ। हाँ दोस्तों, तो चलिए फिर से देखते हैं, इसका तो अभी भी सही से नहीं दिख रहा है बट लग रहा है कि बहुत जल्द कुछ बाइंग पोजीशन मिल सकता है। इस पर देखते हैं, इस पर दोस्तों ठीक ठाक ही लग रहा है, कंटिन्यूस ऊपर तो जा रहा है स्टॉक, बट ये सस्टेन करेगा कि नहीं या फिर से नीचे आएगा एक क्लियर इंडिकेशन नहीं है, बट स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस तो काफ़ी है। तो ठीक है, इसका एक बाय कर लेते हैं कुछ, और स्टॉप लॉस लगभग इसका नीचे रख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बाय कर लेते हैं, कितना बाय करें, 10 बाय करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पर देखते हैं, ये भी अभी दिख रहा है कि ऊपर जा रहा है कंटिन्यूस, बट चलिए फिर इसको भी बाय कर लेते क्योंकि बाइंग स्टॉक है और कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है। इसका नीचे स्टॉप लॉस रख दीजिएगा, ठीक है, इसका नीचे, इसको भी 10 बाय कर लेते हैं।
इसमें नहीं ले एम आई इसका नहीं होगा, सॉरी इस पर फिर ठीक है। सेलिंग सब में आते हैं तो सेलिंग में दिख रहा है कि ये, एक मिनट, ये आपका फिर से डाउन जा रहा है शायद, तो चलिए शॉर्ट सेल कर देते हैं, दो पीस कर देते हैं और दो पीस कर देते हैं। ठीक है और फिर ब्लू स्टार में चलते हैं। ब्लू स्टार को भी देखिए रिकवर लेके फिर डाउन आ रहा है तो इसको भी शॉर्ट सेल कर देते हैं। चलिए दो पीसेस का भी अच्छा ये भी नहीं लेगा, स्मॉल कैप का ही थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इसका ये भी डाउन आ रहा है तो चलिए इसका भी ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, शॉर्ट सेल करते हैं। ये भी नहीं लेगा ठीक है तो फिलहाल रिजल्ट यही दिख रहा है मेरा, दोनों को बाय किए हैं ठीक है माइस पे। तो देखिए अल्टीमेटली क्या रिजल्ट दिखता है और इसका एमओ ऑयल का 150 पे मैं रखा हूँ उसका स्टॉप लॉस, तो देखते हैं अगर हिट करता है तो बेच के निकल जाएंगे ठीक है। बजाज ऑटो का आपका लगभग आप इस पोजीशन पर रख दीजिएगा, वो 482-485 के करीब रख दीजिएगा, इस पर रख दीजिएगा और ऐसे कुछ पर रख दीजिएगा स्टॉप लॉस ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों अल्टीमेटली क्या रिजल्ट होता है, मैं बताऊंगा फिर से। हाँ तो दोस्तों देखिए जो आज मैं ट्रेड लिया था इंट्राडे पे जो स्मॉल कैप का जो स्टॉक्स है उस पर, तो लगभग अभी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दिखने को मिल जाएंगे यहाँ ठीक है। लगभग एमओ आईएल पे 15 रुपये करीब दिख रहा है ठीक है, और ज़्यादा था अभी और घट रहा है, तब इसको आप अभी बेच के भी निकल सकते हैं ठीक है, या आपको जब मन चाहे आप सोचेंगे अगर और मार्केट में देखता हूँ क्या होता है और आप एनालिसिस करेंगे इसके चार्ट को अगर देखते रहेंगे, तो जैसे आपको मौका मिलता है आप यह बेच दीजिए ठीक है, यह निकल जाइए। और सेकंड जो है बजाज इलेक्ट्रिक पे जो जिस पे सेल किया था वो भी देखिए अच्छा खासा डाउन पे जा रहा है, तो मैं शॉर्ट सेल किया था तो प्रॉफिट मुझे दिख रहा है ठीक है। तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से, जब आप बेचना चाहेंगे, जब आपको लगे कि हाँ अब इसके बाद से मुझे बेच देना चाहिए, नहीं तो वो अपना ट्रेंड को मूव कर रहा है ठीक है, या मुझे सफिशिएंट प्रॉफिट मिल गया है, तो इस तरह से दोस्तों मैं आपको देखा एक सिंपल सा वे किस तरह से चार्ट को या कोई इंडिकेटर को एनालिसिस करके आपको इंट्राडे में प्ले करना है ठीक है। दोस्तों ये चीज अगर आप, मैं बोलूंगा कि हर बारी आप सक्सेस हो जाएगा, नहीं, कभी कभी क्या होगा देखिएगा, आप बाय तो किए हैं, आप जो प्रेडिक्ट किए हैं उसके हिसाब से नहीं हुआ, वो अचानक से फिर से नीचे आ गया, तो इसीलिए ऑलवेज स्टॉप लॉस लेके ही प्ले कीजिएगा इंट्राडे ठीक है। जैसे नीचे आ जाता है आप काट के निकल जाइएगा वहां से, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत बड़ा लॉस हो सकता है ठीक है। तो इस तरह से आप अगर इंट्राडे पे ट्रेड लेंगे तो डेफिनेटली एट द एंड ऑफ वीक या एट द एंड ऑफ मंथ देखेंगे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके निकले मार्केट से ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं आगे भी इस तरह से इंट्राडे पे लाइव ट्रेडिंग पे वीडियोस लाता रहूँगा ठीक है। तो फॉलो करते रहिए मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, थैंक्स अगेन।